आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. हम सांप्रदायिक हैं, हाँ। वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। ये जो स्पीच आपने सुना है, ये सुषमा स्वराज का वो स्पीच है जिससे उनकी पहचान एक पावरफुल ओरेटर और एक स्ट्रांग लीडर के रूप में बन गई। The speech was delivered by her in Lok Sabha after the 13-day government led by Atal Bihari Vajpayee collapsed as it couldn't prove majority on the floor of the house. Swaraj ke is bhashan mein Article 370 ka bhi zikr aata hai, jise hatana BJP ka ek strong political objective raha hai. Is speech ke 22 saal baad BJP ka agenda pura hua as the government led by Narendra Modi managed to dilute Article 370 in Kashmir. बट अनफॉर्चुनेटली इस फैसले के एक दिन बाद यानी 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का निधन हो गया। 6 अगस्त की शाम 7:23 पर सुषमा स्वराज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर बधाई देते हुए कहा कि शी वॉज वेटिंग टू सी दिस डे इन अ लाइफ टाइम। इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दिल्ली के एम्स में उनकी मौत हो गई। द डिमाइस ऑफ सुषमा स्वराज केम एज अ बिग सेटबैक फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। Leaders from across the political spectrum expressed condolence on the death of the former minister. It's a big loss for India. She was one of those remarkable impact creating parliamentarian. Antim samay jaise wo intezar kar rahi thi kab Kashmir se dhara 370 samapt ho aur mujhe isse dekhe jisko kehte hain ki sabko jeetna aur sabko rashtra seva ke liye lagana isi ke liye unka jeevan tha. Ek achhe leader the और बेहतरीन वक्ता। पूरा जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने का उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूँ, उनकी ट्वीट देखता हूँ और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखी थे, शब्द नहीं मेरे पास। सुषमा स्वराज का जन्म 1952 में अंबाला कैंट में हुआ था। पार्टीशन से पहले उनके फादर की फैमिली लाहौर में रहती थी। Her father was associated with RSS. After her primary education in Ambala, she studied law at Punjab University. इस दौरान हरियाणा के लैंग्वेज डिपार्टमेंट ने हिंदी स्पीकिंग का स्टेट लेवल कंपटीशन करवाया था। अच्छा बोलने में माहिर सुषमा ने यह कंपटीशन लगातार 3 साल जीता था। After completing her studies, she practiced as a lawyer in Supreme Court. She was also associated with the अखिल भारतीय विद्या परिषद। 1975 में सुषमा मैरिड सीनियर एडवोकेट स्वराज कौशल। After the emergency, she formally joined the Bharatiya Janata Party. 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज हरियाणा असेंबली में इलेक्ट होकर आई and she was sworn in as a cabinet minister. 1987 में वो हरियाणा की एजुकेशन मिनिस्टर बनी। पर नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी पहचान तब बनी जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया। मेजॉरिटी ना होने के कारण जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई तब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पर हुआ था। पहले वाजपेयी ने और फिर सुषमा स्वराज ने शानदार भाषण दिया। एनडीए की सरकार तो नहीं बच पाई पर इन भाषणों से बीजेपी को काफी फायदा हुआ। अ ईयर लेटर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ एचडी देवेगौड़ा कोलैप्स्ड आफ्टर कांग्रेस विथड्रू इट्स आउटसाइड सपोर्ट। पीपल वर एक्सपेक्टिंग फ्रेश इलेक्शंस बट ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर यूनाइटेड फ्रंट की ही सरकार बनी विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। इस सरकार को इंदर कुमार गुजराल लीड करने वाले थे। कांग्रेस के सपोर्ट से बनी नई सरकार कितनी मजबूत होगी इसको इलैबोरेट करते हुए सुषमा स्वराज ने एक जोरदार भाषण दिया। एक तरफ आपसे कहा जाएगा वो कोर्ट की जांच जल्दी करवानी है, दूसरी ओर आपसे कहा जाएगा 10 जनपद पर आंच नहीं आने देनी है। एक तरफ आपको देवेगौड़ा की धमकी से डरना है, खबरदार अगर कांग्रेसियों के केस वापस लिए तो, और दूसरी तरफ आपको केसरी और नरसिंह राव जी को खुश रखना। एक तरफ आपको चतुरानंद मिश्र का दबाव मानना है
दूसरी तरफ आपको अपने अध्यक्ष और आपके किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा को बचाना, आप कैसे कर पाएंगे? हर व्यक्ति जिसने कांग्रेस का सपोर्ट लिया वो इस खुशफहमी में लिया कि मुझसे कांग्रेस समर्थन वापस नहीं लेगी। चौधरी चरण सिंह जी के अनुभव से माननीय चंद्रशेखर जी ने नहीं सीखा, चंद्रशेखर जी के अनुभव से देवेगौड़ा जी ने नहीं सीखा, और देवेगौड़ा जी के हाल के ताजा अनुभव से आपने नहीं सीखा। आपको नहीं पता, अरे कांग्रेस का समर्थन तो बेताल की कथा की तरह होता। अध्यक्ष जी, बेताल की कथा आपने सुनी होगी, पीठ पर उसको बैठाया जाता है, चढ़ जाता है, आधे रास्ते चलकर कहानी सुनाता है, बाद में कठिन सवाल पूछता है और साथ ही धमकी देता है, बोल नहीं तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जैसे ही राजा बोलता है बेताल वापस पेड़ पर जाकर बैठ जाता। कितनी बार ये पीठ पर बैठाए गए, कितनी बार इन्होंने आधा सफर तय किया, कितनी बार उल्टे सीधे सवाल पूछे, लेकिन राजा का मुंह खुलते ही बेताल पेड़ पर जा बैठा। जैसा स्वराज ने कहा था वैसा ही हुआ। The government of IK Gujral collapsed after 11 months as Congress withdrew its support over Prime Minister's inaction on the Jan Commission report that suggested DMK's role in Rajiv Gandhi's assassination. इसके बाद देश में जनरल इलेक्शन हुए और NDA चुनकर वापस आई। सुषमा स्वराज को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया विद द एडिशनल चार्ज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आपको याद होगा कि 1998 में केबल टीवी पर फैशन टीवी आया करता था। एज एन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने फैशन टीवी को बैन करवा दिया था। इसके अलावा टीवी कंटेंट में भी गाली गलौज पर रोक लगा दी थी। दो द मूव वॉज फ्रॉन्ड अपॉन अ सेक्शन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, इट ओनली इनहैंस्ड हर इमेज अमंग BJP's ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस अक्रॉस द कंट्री। शी ऑल्सो बिकेम दिल्ली चीफ मिनिस्टर फॉर 3 months। 2004 में जब जनरल इलेक्शन में NDA की हार हुई और UPA को मेजॉरिटी मिली, तब प्राइम मिनिस्टर के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। जब कांग्रेस के लीडर्स ने सोनिया गांधी के नाम को प्रपोज किया, तब सुषमा ने इसका जमकर विरोध किया। सुषमा को सोनिया गांधी के इटालियन ओरिजिन को लेकर आपत्ति थी। शी वेंट ऑन टू से दैट इफ सोनिया गांधी बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, वो अपना सर मुंडवा लेगी। इस घोषणा का कांग्रेस लीडर्स ने मजाक भी उड़ाया था। आपको बता दें कि 1996 में सुषमा स्वराज ने बेलारी से सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, पर वो हार गई थी। बाद में वो साउथ दिल्ली से चुनकर लोकसभा में आई थी। In 2009, she was appointed the leader of opposition in Lok Sabha. बतौर लीडर ऑफ opposition, सुषमा स्वराज ने UPA पर CWG और कोल स्कैम को लेकर जमकर हमला किया था। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं, अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। In 2014, when the NDA government returned to power under the leadership of Narendra Modi, Sushma Swaraj was made the External Affairs Minister. Sushma ne kai Indians jo ki foreign countries mein musibat mein the, unki madad ki. She brought a human touch to the ministry. Since Prime Minister Narendra Modi used to make most of the foreign policies, kaiyon ko ye lagta tha ki Swaraj bas naam ki hi foreign minister hain. But she was able to make her own space skillfully. चाहे हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड गीता को पाकिस्तान से वापस लाना हो, या इराक, यमन और नेपाल जैसे कॉन्फ्लिक्ट हिट एरियाज में से फंसे इंडियंस को बाहर निकालना हो, या फिर कुलभूषण जाधव का केस हो, सुषमा स्वराज ने अपने काम से सबको काफी इंप्रेस किया। ओवर द लास्ट 5 years, शी पॉसिबली वोन द हार्ट्स ऑफ मेनी। शी हेल्प एंड केम अक्रॉस एज समवन हु वाज पीपल्स फॉरेन मिनिस्टर, बट शी डिसाइडेड नॉट टू कंटेस्ट इन द 2019 इलेक्शंस ड्यू टू हेल्थ रीजंस। Her demise has certainly created a big political vacuum. Well, that's all for now. For more news and update, keep logging on to indianexpress.com. Aur aise aur videos dekhne ke liye jansatta.com pe login karein.